हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो कनेक्ट सिने बॉलीवुड रिपोर्ट का 2023 ये वो वक्त आ चुका है, दिसंबर का टाइम है। टॉप 5 फिल्म्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये जो नाम हैं ये बॉक्स ऑफिस के परफॉर्मेंस के ऊपर प्राइमरली सेलेक्ट किए गए हैं। और अब तक जो नंबर वन इस वक्त फिल्म है वो जवान डेफिनेटली है, बहुत ही कमाल का बॉक्स ऑफिस रहा है। इंडिया में बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस किया है, एट द सेम टाइम ओवरसीज इट हैज़ डन वेरी वेरी वेल। लोगों ने फिल्म को बार बार जाके देखा है, ना सिर्फ नॉर्थ में बहुत अच्छा किया है, महाराष्ट्र गुजरात एट द सेम टाइम साउथ में बहुत अच्छा किया है, बिकॉज जो उसकी फिल्म के डायरेक्टर थे वो साउथ इंडियन हैं। एंड जो स्टारकास्ट के जो एक आई थिंक मेन जो लोग उसमें रहे हैं, एटली चाहे अगर हम बात करें नयनतारा की बात करें या विजय सेतुपति की बात करें, तो दे आर फ्रॉम साउथ एज वेल, सो इट हैज़ डन वेरी वेल इन साउथ एज वेल। दूसरे नंबर पे यहाँ पर मैं फिलहाल में एनिमल को मैं लेकर आ रहा हूँ। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर एनिमल जो है वो नंबर फिल्म बन जाए बॉक्स ऑफिस के लेवल पे इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन अभी फिलहाल में यहाँ पर नंबर टू पे मैं एनिमल को ले रहा हूँ, बिकॉज द वे इट इज़ गोइंग मुझे लगता है कि दैट इट विल डेफिनेटली बी क्रॉसिंग गदर टू एंड पठान। दिस इज़ वॉट माई एस्टिमेशन इज, बिकॉज द फिल्म इज डूइंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल एट द बॉक्स ऑफिस। तो एनिमल ने आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत हद तक लोगों को बहुत सरप्राइज किया है, बिकॉज इट वॉज ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू डू वेल, लेकिन इतना अच्छा करेगी ये शायद मेरे ख्याल से किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया होगा। मैं तो बहुत काफ़ी टाइम से मैं कह रहा हूँ कि रणबीर कपूर की सबसे बड़ी हिट होने वाली है। शुरू में मेरा एस्टिमेशन ये था कि आपके बार 300 पार, लेकिन ये है कि फिर वेन इट वॉज जब एडवांस बुकिंग खुली और फिल्म की रिलीज होने से एक दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस मैंने 500 का मैंने जिक्र किया कि 500 क्रॉस करेगी, तो 500 डेफिनेटली क्रॉस करेगी, बट एट द सेम टाइम दिस कैन गो एनी वेयर राइट नाउ। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर ये पिक्चर क्रिसमस पे और न्यू ईयर्स पे भी लोगों की पसंद बनी रहे। सो एनिमल एज ऑफ नाउ नंबर टू, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ इट टर्न्स आउट टू बी नंबर वन एज वेल। फिर अगर हम बात करें तो गदर टू ने बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बिजनेस किया है। गदर वन को लोगों ने बहुत पसंद किया था, गदर टू ने भी बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त किया है। इट हैज़ टेकन एवरी वन बाई सरप्राइज, बहुत से सिंगल स्क्रीन थिएटर्स जो हैं रिवाइव हुए हैं अगर देखा जाए तो गदर टू की वजह से, चाहे सनी देओल साहब की बात की जाए चाहे अनिल शर्मा की बात की जाए। तो ये एक तरीके से दे वर नॉट हैविंग बिग हिट्स बिफोर दिस पर्टिकुलर फिल्म, लेकिन फ्रेंचाइजी के स्ट्रेंथ के ऊपर, उसके दबदबे के ऊपर पिक्चर ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का ओपनिंग लिया, एंड उसके बाद फिर कॉन्टेंट then took over after that and it went on to do extraordinary business. पठान जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है पठान और जवान के बीच में बॉक्स ऑफिस नंबर्स पे। अगर हम इंडिया की बात करें तो पठान हैज़ डन वेरी वेल एट द बॉक्स ऑफिस एज वेल, जैसे कि हमको सबको पता है। बहुत हद तक मुझे लगता है कि पठान हैज़ बीन अ स्टैंड आउट फिल्म इन टर्म्स ऑफ शोइंग द वे स्पेशली टू बॉलीवुड फिल्म, बिकॉज ये एक काफ़ी टाइम से एक डिबेट हो रही थी कि साउथ की फिल्म जो हैं दे आर डूइंग वेरी वेल एंड बॉलीवुड में बी इट नीड्स कैचिंग अप टू डू। ये साल ने उसको डिसप्रूव किया है, चाहे वो जवान है, एनिमल है, गदर टू है, पठान है, सो देव डन रियली रियली गुड बिजनेस। सो दैट हैज़ बीन आई थिंक इट हैज़ बीन अ वेरी गुड ईयर फॉर बॉलीवुड पर से एज वेल। एंड चौथे नंबर पर हम लोग पठान को हमने रखा है। पाँचवें नंबर पर हम टाइगर 3 को लेकर आएंगे। टाइगर 3 हैज़ डन वेरी वेल, इट हैज़ नॉट डन एज वेल एज इट वॉज एक्सपेक्टेड टू डू, बिकॉज इट वॉज इन द सेम ब्रैकेट एंड सेम जॉनर एज पठान एंड जवान, और कुछ हद तक इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट आइडली इट शुड हैव बीन क्रॉसिंग 500 एटलीस्ट 400 for that matter, because VFX hain, action hain, sare isme everything was going right as far as the entire concept is concerned, lekin shayad utna acha performance nahi kiya hai picture ne, but still it features in our top 5 of 2023.